अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सर्वर कंप्यूटर के बारे में और उसकी टाइप्स के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। सर्वर कंप्यूटर, तो जैसा कि हमें पता है कि जब हम नेटवर्क बनाते हैं तो नेटवर्क में एक मेन कंप्यूटर रखा जाता है और बाकी सारे उसके क्लाइंट कंप्यूटर रखे जाते हैं। वो जो मेन कंप्यूटर होता है, जो सारे के सारे नेटवर्क को कंट्रोल कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है, वो होता है सर्वर कंप्यूटर। नेटवर्क के अंदर सर्वर कंप्यूटर जो है वो बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर होता है। जितने भी क्लाइंट्स कंप्यूटर हैं, अगर किसी भी सर्विस की उनको ज़रूरत हो, किसी भी काम की ज़रूरत पड़ जाए, वो सर्वर कंप्यूटर से परमिशन लेते हैं। सर्वर कंप्यूटर उनको जितनी भी सर्विसेज नेटवर्क के अंदर मौजूद हैं वो प्रोवाइड करता है। नेटवर्क के अंदर जितने भी क्लाइंट्स कंप्यूटर होते हैं, अगर वो चाहें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना, तो सर्वर कंप्यूटर उनको परमिशन देता है कि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सर्वर कंप्यूटर ये काम करता है कि अगर एक क्लाइंट अपना मैसेज दूसरे क्लाइंट को सेंड कर रहा है, तो सर्वर कंप्यूटर जो है एक स्पेसिफिक एड्रेस में वो मैसेज भेज रहा होता है। इसी तरह जितना भी डाटा स्टोर हुआ होता है सर्वर कंप्यूटर के पास, अगर क्लाइंट कंप्यूटर को उस डाटा की ज़रूरत पड़ गई है, तो क्लाइंट कंप्यूटर जब भी डाटा की रिक्वेस्ट करता है, किसी भी सर्विस की रिक्वेस्ट करता है, तो सर्वर कंप्यूटर जो है उसे वो डाटा प्रोवाइड करता है। इसी तरह बहुत से सर्वर कंप्यूटर्स होते हैं, डेडिकेटेड सर्वर कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक काम के लिए बनाए जाते हैं, किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए होते हैं, जिनको डेडिकेटेड सर्वर बोला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, डेटाबेस के लिए जो सर्वर कंप्यूटर होगा वो डेटाबेस डेडिकेटेड सर्वर कंप्यूटर होगा। इसी तरह फाइल सिस्टम को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए फाइल सर्वर होगा। इसी तरह ईमेल सर्विसेज को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए मेल सर्वर कंप्यूटर होगा। इसी तरह प्रिंट करने के लिए प्रिंट सर्वर होगा। वेब होस्टिंग के लिए, वेब को मैनेज करने के लिए वेब सर्वर होगा। तो चलिए आप इसको लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, अ सर्वर इज़ अ पावरफुल कंप्यूटर, एक बहुत पावरफुल कंप्यूटर होता है, दैट प्रोवाइड्स सर्विसेज टू द क्लाइंट कंप्यूटर, जो कि क्लाइंट्स कंप्यूटर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एंड अदर डिवाइस इन द नेटवर्क। नेटवर्क के अंदर जितनी भी डिवाइसेज होती हैं, जितने भी क्लाइंट्स कंप्यूटर होते हैं, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला जो कंप्यूटर है वो है सर्वर कंप्यूटर। नंबर 2, सर्वर कंप्यूटर कंट्रोल एक्सेस टू द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डाटा। नेटवर्क के अंदर जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जितना भी डाटा होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए सर्वर कंप्यूटर काम करता है। नंबर 3, सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज फॉर सॉफ्टवेयर डाटा एंड इंफॉर्मेशन। सर्वर कंप्यूटर का काम क्या है कि अपने अंदर डाटा को, इंफॉर्मेशन को, सॉफ्टवेयर्स को रख लेता है, जैसे किसी क्लाइंट को ज़रूरत पड़ती है उसे वो प्रोवाइड कर देता है। नंबर 4, शेयर सॉफ्टवेयर एंड मैनेजिंग नेटवर्क ट्रैफिक। नेटवर्क के अंदर जितने भी ट्रैफिक हैं, जितने भी ट्रैफिक आ रही है, जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको शेयर करता है दूसरे क्लाइंट्स कंप्यूटर तक जब भी किसी को ज़रूरत पड़ती है। नंबर 5, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वर कंप्यूटर। डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वर कंप्यूटर्स में आता है डेटाबेस सर्वर, जो कि डेटाबेस को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए यूज़ हो रहा है। फाइल सर्वर, जो फाइल सिस्टम को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मेल सर्वर, जो ईमेल हमारी आ रही हैं, जो जा रही हैं, उनको कंट्रोल और मैनेज करने के लिए जो यूज़ हो रहा है सर्वर, वो है मेल सर्वर। ये अलग अलग सर्वर कंप्यूटर्स हैं जो कि किसी स्पेसिफिक काम के लिए यूज़ होते हैं, जब हम नेटवर्क में यूज़ करते हैं। तो इनके बारे में आने वाली वीडियोज़ में वन बाय वन हर एक को डिस्कस करेंगे। तो प्रिंट सर्वर, प्रिंटिंग काम के लिए जो सर्वर हमें रिक्वायर होता है वो है प्रिंट सर्वर। इसी तरह वेब सर्वर है, वेब को मैनेज करने के लिए नेटवर्क में, ऑनलाइन सिस्टम में वेबसाइट्स को मैनेज करने के लिए जो सर्वर यूज़ होते हैं वो है वेब सर्वर। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बात की सर्वर कंप्यूटर के बारे में और उनके डिफरेंट डेडिकेटेड कंप्यूटर्स, जो सर्वर कंप्यूटर्स हैं उसकी टाइप्स के बारे में। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।